आई लव यू खेसारी जी, आप बहुत प्यारे हैं और सब आपको बहुत प्यार करते हैं। जितना मैं आपसे प्यार करती हूँ, आपकी भोजपुरी इंडस्ट्री आपको उससे भी बहुत प्यार करती है। प्यार कैसा लगता है? बहुत प्यारा लगता है। वो खेसारी जी से पूछना पड़ेगा। वो गाँव पूछने जा रहे हैं खेसारी लाल यादव के साथ काम करके कितना मजा आता है? बहुत अच्छा लगता है। खेसारी सर बहुत अच्छे हैं और बहुत डाउन टू अर्थ हैं और कंफर्टेबली हम लोग काम कर पाते हैं, क्योंकि वो मतलब उनका नेचर बहुत हम्बल है। थैंक यू सो मच। मैं पहाड़ की लड़की और आप सभी इतना प्यार देते हो, मैं मतलब मुझे लैंग्वेज बैरियर होता है, लेकिन आप सभी इतना प्यार देते हो कि मतलब मुझे लैंग्वेज का कोई इशू नहीं होता और आप सभी बहुत एक्सेप्टेबल भी हो। जी क्या कहना चाहें खेसारी फैंस? खेसारी फैंस बहुत प्यारे हैं और बहुत सपोर्ट करते हैं कुछ भी चीज़ में। सबसे ज़्यादा जो चेहरा है वो आपका दिखा है खेसारी जी के साथ। अच्छा, राज कुछ नहीं है ऐसा कोई राज, मतलब राज क्या क्या सुनना चाहते हैं आप? कोई राज नहीं है। मतलब लाइक मुझे मतलब जब ये गाना ऑफर किया था सर ने, तो लाइक उन्होंने मुझे बोला था कि ये गाना बहुत बड़ा हिट होने वाला है और प्लान करते हैं, शूट करते हैं, क्योंकि इनका शायद ये जो गाना है न्यू जो इसका फर्स्ट वाला क्लिप वायरल हो गया था, तो इसके अकॉर्डिंग उन्होंने सोचा कि इसका सेकेंड पार्ट निकाला जाए। उन्होंने तुरंत तुरंत शूट किया और इतना ज़्यादा प्यार दिया लोगों ने, फर्स्ट डे ही मतलब इसको बहुत ज़्यादा प्यार मिला। थैंक यू। लगातार आप जो खरबूजा खिलाएगा सपना जी आने यादव के साथ काम कर रही हैं और सारे गाने ब्लॉक पूछने जा रहे हैं, खेसारी लाल यादव के साथ काम करें कितना मजा आता है? बहुत अच्छा लगता है। खेसारी सर बहुत अच्छे हैं और बहुत डाउन टू अर्थ हैं और कम्फर्टेबली हम लोग काम कर पाते हैं, क्योंकि वो मतलब उनका नेचर बहुत हम्बल है और बहुत अच्छी है। क्या कहिएगा, बहुत बहुत प्यारी है और मतलब बहुत जल्दी रिलीज होने वाली है। आई होप आप सभी को सपना जी नींबू खरबूजा 3 आएगा या नहीं आएगा? कुछ ऐसा अगर सर प्लान करेंगे या उनके माइंड में कुछ होगा, बहुत क्रिएटिव है सर, तो अगर उनका कुछ होगा अगर नींबू खरबूजा 2 के बाद 3 करना है तो ऑफकोर्स। सो स्वीट, थैंक यू सो मच। मैं पहाड़ की लड़की और आप सभी इतना प्यार देते हो, मैं मतलब मुझे लैंग्वेज बैरियर होता है, लेकिन आप सभी इतना प्यार देते हो कि मतलब मुझे लैंग्वेज का कोई इशू नहीं होता और आप सभी बहुत एक्सेप्टेबल भी हो, लाइक मतलब जो बाहर के लोग आते हैं काफी आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, काफी आपको प्रेम भी कर रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं। जी क्या कहना चाहें खेसारी फैंस? खेसारी फैंस बहुत प्यारे हैं और बहुत सपोर्ट करते हैं, कुछ भी चीज़ें होती है तुरंत तुरंत अपनी स्टोरी या यू नो मेंशन करते, तो बहुत अच्छा लगता है। सोशल मीडिया पे सब एक्टिव रहते हैं, उनको बहुत प्यार करते हैं, मुझे प्यार करते हैं, जितनी भी उनके साथ एक्ट्रेसेस होती हैं सबको बहुत प्यार करते हैं, बस ऐसे ही प्यार करते रहे। लव यू। एक नाम देना हो खेसारी लाल यादव को, किस नाम से बुलाती? मैं सॉरी बोलती हूँ, खेसारी सर। खेसारी सर। एक सवाल भोजपुरी में, पहले उम्मीद रहे कि भोजपुरी इतना आयम तो हमारा इतना प्यार मिली? सबसे पहले तो भोजपुरी में बोली भोजपुरी। अच्छा हम का बोली, हमने क्या उम्मीद रहे कि आयम तो इतना भोजपुरी के लोग प्यार दी, बिहार के लोग प्यार दी? हमने के लाइक नहीं हो पाएगा। हमने का हाल बाबू बुआ रहुआ ठीक बानी इतना यहाँ। थैंक यू सो मच, प्रणाम सभी को, तो सबसे पहले मेरी तरफ से, और अवार्ड शो में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और
यहाँ पे बहुत बड़े बड़े सितारे हैं आज, और उन सितारों के साथ आज ये नाइट बहुत चमचमाती है। तो आई होप आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा और बहुत मज़ा आएगा। मेरा खेसारी जी के साथ परफॉर्मेंस है और आई होप आपको अच्छा लगे। 2023 में जितने भी एल्बम रहे, सारे एल्बम आपके खेसारी जी के साथ जो गाने रहे, काफ़ी लोगों ने पसंद किया, उसको लेकर क्या कहना चाहूँगी? सबसे पहले तो उसको लेके ये कहना चाहूँगी कि मेरे जितने भी गाने हैं सबको बहुत प्यार दिया आप सभी ने, बहुत बहुत ज़्यादा प्यार दिया। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे, मैं यहाँ से नहीं हूँ, मैं हिमाचल से हूँ, और भोजपुरी ऑडियंस ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया, मुझे एक्सेप्ट किया। सो मेरे गानों को भी बहुत प्यार दिया और मेरी और खेसारी जी की जोड़ी को भी बहुत प्यार दिया। इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ आप सभी ऑडियंस का। थैंक यू सो मच, आई लव यू। पता नहीं चला कि नींबू खरबूजा कैसे वो खेसारी जी से पूछना पड़ेगा। वो गाना एक्चुअली उसका पार्ट टू है, तो वो गाना बहुत प्यारा गाना है और आप सभी ने उसे 100 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ दिए हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो 500 मिलियन हो और आपका प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहे। आई डोंट हैव आइडिया, तो मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है, और मैं एक्साइटेड हूँ ये नाइट को एंजॉय करने के लिए। हाल ही में हमने फिल्म के सेट पे भी आपको देखा, जिसकी काफ़ी खूबसूरत तस्वीरें थी, वो वायरल हुई, फिल्मों को लेकर क्या कहना चाहिए? फिल्म्स अभी आ रही हैं धीरे धीरे करके। अभी मेरी फिल्म एक आसरा रिलीज़ हुई है, जो कि आनंद जय रघुराज के डायरेक्शन में रिलीज़ हुआ है, और भोजपुरी में मतलब लाइक मेरा ये जो एक्सपीरियंस है, रत्नाकर जी के वर्ल्ड वाइड चैनल से वो फिल्म आया है, और मतलब यहाँ पे आके मतलब मुझे इतना प्यारा लगा, क्योंकि ये एक्सेप्टेबल इंडस्ट्री है। तो अभी देखते हैं, मेरे आने वाले फिल्म्स को भी ऐसे प्यार देते रहिए। अभी बहुत सारे सरप्राइजेस हैं, जियो मेरी जान आ रही है, पवन जी के साथ आ रही है, उसके डायरेक्टर भी आनंद जय रघुराज जी हैं, तो अभी देखते हैं, लेट्स सी। एक सेकेंड, आराम से। नींबू खरबूजा दो लाइन अगर गाना चाहेंगे? नहीं, मैं सिंगर नहीं हूँ भाई। नहीं, मैं सिंगर वाला हूँ। जियो मेरी जान अभी तो पोस्टर रिलीज हुआ है, आई होप बहुत जल्दी आए, फिर मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, देखते हैं अभी क्या। खेसारी जी के साथ फिल्मों के सेट पे जब आप रहती हैं, माहौल किस तरह से रहता है और कैसे एंटिसिपेट कर पाती हैं चीज़ों को? मैंने उनके साथ दो फिल्म की है और मुझे तो बहुत मज़ा आया, बहुत यू नो मस्ती रहती है उनके सेट पे। तो अभी मैं क्या ही बोलूँ, मैं बहुत अच्छे हैं उनके सेट पे, कोई निराश नहीं रहता। कोई राज खोलना चाहेंगे 2023 में सबसे ज़्यादा जो चेहरा है वो आपका दिखा है खेसारी जी के साथ? अच्छा, राज कुछ नहीं है ऐसा, कोई राज मतलब राज क्या क्या सुनना चाहते हैं आप? कोई राज नहीं है। आई लव यू खेसारी जी, आप बहुत प्यारे हैं और सब आपको बहुत प्यार करते हैं, जितना मैं आपसे प्यार करती हूँ आपकी भोजपुरी इंडस्ट्री आपको उससे भी बहुत प्यार करती है। प्यार कैसा लगता है? बहुत प्यारा लगता है। जाते जाते भोजपुरी दर्शक से क्या कहना चाहिए? आई लव यू सो मच, आप सभी बहुत प्यार देते हैं, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।